पीएचडी बनी है 370 और 35 ए की रेस्टोरेशन करने के लिए जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम उठाया प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को, और 35 ए और 370 रेस्टोर होके रहेगा। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, पीएचडी का ये काम है। लास्ट टाइम जब डीडीसी का इलेक्शन हुआ, उस वक्त लोगों का ऐसा जबरदस्त प्रेशर आया कि हमको इकट्ठे इलेक्शन लड़ना पड़ा। डॉक्टर फारूक साहब ने, महबूबा मुफ्ती जी ने भी बड़े क्लियरली आपको बताया कि जब इलेक्शन सामने आएंगे उस वक्त देखा जाएगा क्या बात है। हमारे बीजेपी के साथी और जो उनके दाएं बाएं लोग यहां घूम रहे हैं उनके बिहाफ पर, जम्मू में भी कश्मीर में भी, उनको आज ये बखूबी मालूम है कि वो किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर का आवाम अब उनको मुंतखब नहीं करेगा। हमारा काम है असेंबली में जाना, एक बहुत ही जबरदस्त मेजॉरिटी को लेकर जाना और वहां पर एक सिंगल रेजोल्यूशन कि जो दिल्ली ने 5 अगस्त 2019 का फैसला लिया, हम उस फैसले को जम्मू कश्मीर के अवाम रद्द करते हैं। इसमें एक बात बहुत जरूरी है कहनी, अवाम ताकत का सरचश्मा है। द पीपल विल डिक्टेट वेदर पीएजीडी विल फाइट इलेक्शंस कंबाइंड और वील हैव टू फाइट ऑन अवर ओन, नो प्रॉब्लम, दैट इज टू बी सीन एट दैट टाइम। मगर आज की तारीख में पीएजीडी पहले से ज्यादा मजबूत है। अभी आपने पीछे ही देखा होगा किस खुशनूदी से और खुश असलूबी से ऑल पार्टी मीटिंग यहां पे इख्तिताम पजीर हुई और आज जम्मू और कश्मीर दोनों एक ही पेज पे खड़े हैं कि हम इकट्ठे हैं। ये जो ऑन स्लॉट इस वक्त हो रहा है कि आउटसाइड वोटर्स यहां पे लाए जाएंगे और अनकरीबी इस जो मीटिंग जम्मू में होने वाली है उसका डेट अनाउंस किया जाएगा, बहुत ही जल्द होने वाली है, शायद कुछ दिनों के अंदर अंदर। और बहिष्कृत जहां तक जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, हमारी साहिब सदर बेगम खालिदा शाह के हुक्म के मुताबिक अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रोविंशियल कश्मीर प्रोविंस की मीटिंग तय पाई गई है, वो इंशाल्लाह 5 या 7 सितंबर के बीच में कश्मीर में श्रीनगर में खसूसी इजलास उसका उसका मुनक्कद किया जाएगा। उन्होंने खुद डिस्प्ले किया कि वो कहाँ खड़े हैं, वो आवाम के साथ आज खड़े हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़े नहीं हैं, वो कहीं और खड़े हैं। हालांकि डॉक्टर फारूक साहब की लेवल पर इतने सीनियर सियासतदान जो हमारे हैं और रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और अब हमारी पीएचडी को भी हेड करते हैं, उन्होंने बजाते खुद टेलीफोन पर इनके साथ बात की और उनको मधु किया कि आप आइए और अपनी बात यहाँ पर रखिए, एक बहुत ही सीरियस मैटर है जो हमारी आइंदा नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बन सकता है। मगर उन्होंने मुनासिब नहीं समझा आना। ये सवाल आप उन्हीं से कीजिए कि आप क्यों नहीं आए। नहीं जी, ये चीज़ हमने इस मीटिंग में डिस्कस की, शिवसेना में हमारे भाई लोग वहां सामने थे और मैंने भी उनके साथ हाथ उठाया, मैं भी बंदा था वहां पे जो हाथ उठाया हमने इकट्ठे, क्योंकि उनके आने से आज ये बात हुई और जो जम्मू के लोग आए थे और कुछ लोग आ नहीं पाए, उससे आज ये बराबर प्रूव होता है कि जो हम बात कर रहे हैं और वो भी आज यही मान रहे हैं कि हमारे ऊपर एक ऑनस्लॉट है, इसको इकट्ठे हमको करना है फेस। तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, बहुत बड़ी अच्छी अचीवमेंट है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। क्या इसमें ऑन द मैटर ऑफ आउटसाइड वोटर्स बीइंग इंक्लूडेड इन जम्मू एंड कश्मीर, बोथ जम्मू एंड कश्मीर, ये मीटिंग खुसूसन उस चीज के लिए थी। अगर उस चीज के लिए शिवसेना सामने आए, मैं उनको जबरदस्त मुबारकबाद पेश करता हूं। दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो अभी जो मीटिंग होने जा रही है अब कुछ ही दिनों में, या आज ही या कल में उसका ऐलान होगा जम्मू में,
यू विल सी उसमें एक बहुत बड़ा कनवास सामने आएगा एंड द मेजॉरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी ऑन वन पेज ऑन दैट. आपने मैं आपकी चैनल की वसादत से ये बात करूं, 27 अगस्त कश्मीर पर एक बहुत बड़ा राउंड टेबल मुनक्कद हो रहा है दिल्ली में और मैं यहां से जा रहा हूं रिप्रेजेंट करने. इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम अपनी बात बहुत जोरदार तरीके पर रखेंगे वहां पे. मुझे उम्मीद है कि शायद आप पार्टी वाले भी होंगे, बीजेपी वाले भी होंगे और हम अपनी बात क्लियरली उनके सामने रखेंगे कि जो आप हमारे साथ कश्मीर में कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, इट इज अनएक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. एवरी हिंदू, एवरी मुस्लिम, एवरी सिख इज नॉट. हमें अमित शाह जी से मधुबाना में विद रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो कश्मीर को एक्चुअली संभालते हैं पिछले इन सालों से, सर यू हैव फेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिवली इन कश्मीर. You have made a political blunder on 5th August 2019. You have made one more blunder by trying to create this situation of outside voters. This is a disastrous policy. Kindly stop it. देखिए ये क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीर प्रोविंस की मीट है और आपको ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं जो पीएजीडी के भी सदर है. सो जब तक हम पीएजीडी के सदर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर की तरफ ये बात सुनेंगे तभी हम उस पर बातचीत करेंगे. अभी ये उनका इंटरनल मैटर है और उसको क्या लगता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हाईजैक करना चाहती है पीएजीडी? नहीं है, बिल्कुल नहीं. पीएजीडी लोगों ने बनाई है भाई, इसको कोई सियासी जमात हाईजैक नहीं कर सकती है. लोग कौन सी, हाँ वो कोई भी हो, इट्स अ पीपल्स अमलगम. डिमांड, डिमांड. थैंक यू.